के नाम से ओखला के ऊपर टकी हुई है कि वो चाहते हैं कि ओखला को बर्बाद करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे हालात में जबकि ओखला के ऊपर तलवार लटकी हुई हो, सारी बात के नाम से सरकार ने ओखला को अपना दुश्मन बना दिया हो, जामिया नगर को दुश्मनी की नजर से देख रही हो, कल वक्त था खुदा का हादसा, तो मुझे बताइए आपको संभालने वाले हाथ कौन होंगे। आपसे तजुर्बा करके देख रखा है, 2008 आपको याद है, हमारे बच्चों को तो बच्चों को यही अखाड़ा में शहीद किया गया, नाजायज तौर पर घर पे खुल के गोली मारी गई। हमारा भी नुमाइंदा उस वक्त मौजूद था, लेकिन उस नुमाइंदे ने क्या किया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। आज अरविंद केजरीवाल से पटना से स्पष्ट एनकाउंटर की SIT बनाने की जांच का वादा किया था, उन्होंने सिर्फ राइट के लिए SIT बनाई, पटना के काउंटर से आज तक उन्होंने कोई SIT नहीं बनाई, उन्होंने कहा था कर को लेकर बात कराएंगे, उन्होंने नहीं कराया। आज ये उनका रुख साफ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनआर की थे, उनका रुख साफ है कि वो सरकार के साथ खड़े हैं। कल अगर खुदा का साइन इलाके में कोई एक्शन होता है तो क्या ये नुमाइंदा हमारे साथ खड़ा होगा, तो पार्टी का गुलाम है। आम आदमी पार्टी हमारे साथ नहीं है, दिल्ली में कहीं भी चीजें हमें मतलब नहीं है, लेकिन ओखला से हमको वो नुमाइंदा चाहिए जिसमें आपकी आवाज से खौफ होके हमेशा उठाई हो, कभी डरे गई कभी खौफ नहीं आई, जान को हथेली पे रखे हमने आवाज बुलंद की है, ओखला के लिए भी बुलंद की है, पूरे मुल्क के लिए की है, हिन्दुस्तान के हर मजलूम के लिए हमने आवाज बुलंद की है, मुसलमानों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, विद्रोहों के लिए भी, और कभी किसी से कम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी किसी से कोई चीज नहीं की। ऐसे हालात से आने वाले वक्त में आपको जरूरत है कि आजाद नुमाइंदगी हो, जो किसी से डरे नहीं, जिसके ऊपर किसी के बुलाने का पट्टा ना हो, ऐसे लोगों को चुपके आज सारे औरतों के निशान से पटन कराते उसे कामयाब बनाए, यही आपके सबसे बड़ा आशा और अपील है।